बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेके आया हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली लोग नगेट्स बनाते हुए करते हैं और नगेट्स उनके टूट जाते हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोनलेस हमने चिकन लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कोशिश किया करें कि आप चिकन चेस्ट पीस लिया करें और बाद में उनसे कह दिया करें कि इसको बोनलेस कर दें। वैसे अगर बोनलेस चिकन ले तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो ये एक टिप है छोटा सा चिकन ख़रीदने का। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जो चेस्ट का पीस है वो पूरा ले लेता हूँ और बाद में जब वो बोटियाँ करते हैं तो उनसे कह देता हूँ कि आप इसको बोनलेस कर दें। तो यहाँ पर हमने छोटे साइज़ का चिकन काट लिया, इसको हम बॉल में निकाल लेते हैं। और एक बहुत अहम स्टेप जो आपने ध्यान से देखना है कि इसके लिए हमने जो ब्रेड यूज़ करनी है ना, ये देखिए आप, ये सैंडविच ब्रेड है जो प्लेन वाली होती है। अगर आप इसको खा के देखेंगे तो ये नमकीन होगी, ये मीठी नहीं होगी। अगर आपने गलती से भी इस रेसिपी में मीठी ब्रेड यूज़ कर ली तो आपकी रेसिपी का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। स्वीटनेस आ जाएगी, मिठास आ जाएगी और कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। तो यहाँ पे इसकी साइड्स को हम काट लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो नीटनेस के साथ आपने ये काट लेने, ये देखिए आप। और अक्सर इलाकों में ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जो कि बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी आपको जल्द दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली, अब हम इनको मज़ीद पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि चॉपर के अंदर बड़े साइज़ नहीं छोटे साइज़ आएंगे। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है ताकि ईजी से ये पीसे जाएँ, ठीक हो गया। और क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगा जब मैं रेसिपी शुरू करूंगा, अभी ये जस्ट कटिंग थी। तो आइए मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने चॉपर लिया है और इसके अंदर दो बड़े साइज़ की ब्रेड जो है वो काट के हमने ऐड कर दी है। ये लें जी, ये फुल साइज़ की ब्रेड थी। अगर आपके पास छोटा साइज़ हो तो आपने तीन ऐड कर लेनी है। इनको पहले हम पीस लेंगे अच्छी तरह से और अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। ये जो चिकन मैं ऐड कर रहा हूँ ये 250 ग्राम चिकन है, मतलब एक पाव, ठीक है। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उनको आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। तो 4 से 5 जवे लहसुन के जाएंगे और 1 इंच स्टिक जाएगी अदरक की। और ये है हमारे पास काली मिर्च 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे नमक है, ये 1/4 चम्मच जाएगा, टीस्पून। और 1/2 चम्मच इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा और 2 चम्मच इसमें ये सिरका मैंने ऐड कर दिया है, सॉरी सोया सॉस। तो अब इसको बंद कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक जान कर लेंगे, पीस लेंगे। अब यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आपने इसको अच्छी तरह से पीसना है, बिल्कुल इसको आपने मक्खन जैसा कर लेना, वरना आपके नगेट्स टूट सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आप ये जो कीमा करने वाले होते हैं ना बड़े गोश्त वाले, उनको ये सारी चीज़ें इकट्ठी आपने एक चॉपर में डाल के देनी है और वो आपको पीस देंगे। उनसे आपने कहना है कि बिल्कुल बारीक उन्होंने कीमा पीसना है, ठीक है। और कोशिश करें कि वो मशीन में 2 दफ़ा कीमे को पीस लें। तो इस तरह से हम इसके नगेट्स के डिज़ाइन बना लेंगे इस साइज़ का। देखिए थोड़ा सा बारीक होना चाहिए, ये मोटा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल बारीक इसकी जो है ना पिसाई हमने की है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक नगेट को पकड़ना है इस तरह से, अंडा अच्छी तरह से फेंट लेना है, अंडे में इसको डिप करना है। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स है, मतलब के डबल रोटी का जो चूरा होता है, इसकी भी मैं आपको जल्द रेसिपी दूंगा। राइट हैंड से आपने नगेट को एग में डालना है और लेफ्ट हैंड से आपने क्रम्स लगाने। ऐसे क्या होता है कि आपका ये जो राइट हैंड है इस पर क्रम्स नहीं लगते और अंडा जो है वो ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये देख लें आप, अच्छी तरह से क्रम्स लगा लें। और यहाँ पे अब एक और अहम चीज़ है जहाँ पे आप गलती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रम्स लग चुके हैं, वो गलती ये कि जब इसको आपने ऑयल में फ्राई करना है तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, मीडियम से भी कम, ठीक है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बेसिकली ये चिकन है और चिकन को पकाना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपकी आँच ज़्यादा होगी तो ऊपर से जल जाएगा या डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह की बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो आप खुद ध्यान में रखा करें। अब हमने जब ऐड किया तो बबल आप देख लें किस साइज़ के हैं, और तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं जो आँच है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा। ज़ीरो का मतलब होता है कि बिल्कुल एंड पे फ्लेम कर देना आपने, कि चूल्हा आपका बंद भी ना हो और जलता भी रहे। उससे क्या होगा कि हम इसको पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। ये देखें हमने सब नगेट्स को ऐड कर दिया। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो साइड्स को चेंज कर देंगे और साइड को चेंज करने के बाद फौरन से ही जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल एंड पे कर देना है, ठीक है। ऐसे में होता है क्या है कि अगर इसको ज़्यादा फ्लेम पे पकाएं तो है तो ये सारा मीट ही, तो वो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और जब चीज़ कच्ची रह जाती है तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल नहीं निकलता। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करें। यहाँ पे अब आप ध्यान करें कि फ्लेम कितना है, बिल्कुल एंड पे फ्लेम है और मैंने इसको कोई 14 से 15 मिनट पका लिया है, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, तो फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये देखें निकाल लेते हैं, माशाल्लाह से लुक देखें आप। तो प्लेट में निकालते हैं और देखते हैं फाइनल लुक क्या। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, नगेट्स आपके सामने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही जूसी। और ख़ास बात ये कि ये सभी को पसंद आती है, बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। और इनको आप सेव भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप हाफ फ्राई करके, मतलब 2 मिनट जस्ट ऑयल में फ्राई करके इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और ये 2-3 महीने इनको कुछ भी नहीं होता। ये देखें अंदर से कितना जूसी है ब्रेड की वजह से, और ऊपर से आप देखें क्रम्स की वजह से ये कितना क्रिस्पी है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ भी खास है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।